रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलना। तो यार आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर SKVZ ग्राउंड में, यहाँ पर आज नाइट ट्रायल है। तो हमने बोला यार चलो चलते हैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा क्रिकेट के, जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए तो भाई ये बहुत गजब की वीडियो होने वाली है। मैंने बोला चलते हैं थोड़ा अपने व्यूवर्स को वीडियो दिखाते हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो चलें चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं आपको टीम्स भी बताऊँगा कौन कौन सी टीम्स आई हुई है, क्या है क्या नहीं है। तो चलें बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो मैं ग्राउंड के अंदर आ गए हूँ, यहाँ हमारी सारी टीमें खड़ी हुई हैं। तो यार आज का मैच जो हमारी टीम्स खेलने वाली हैं, पहली तो है जी टेक्सटाइल प्लाजा और दूसरी है लतीफ क्लॉथ। इन दोनों के बीच में आज पे ट्रायल्स हो रहे हैं, इनका आगे जाके एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी होने वाला है, मैच होने वाला है इनका। तो फिलहाल तो अभी ये ट्रायल्स पर आए हैं, तो मैंने बोला हम भी चलते हैं ट्रायल्स पर, मज़ा भी आएगा। और आगे चल के मैं आपको कुछ टीम्स के कुछ बंदों का इंटरव्यू भी लूँगा, उनसे मालूमात भी लेंगे, भाई पूछेंगे आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना है, जो भी है हम सब उनसे पूछेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, वीडियो में बड़ा मज़ा आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये अच्छा शॉट है। दो अच्छे शॉट्स लगे। शॉट्स अच्छे आ रहे हैं। फिलहाल व्यूअर जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इनकी बैटिंग दिखाई, बॉलिंग दिखाई, इनके बहुत अच्छे स्किल्स भी यार, बहुत अच्छी हमारी पाकिस्तान के अंदर इतने टैलेंटेड बंदे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ इनका। तो चलो फिलहाल अभी मैं यहाँ से थोड़ा बाहर आ गया हूँ, क्योंकि अभी इन लोगों की बैटिंग बॉलिंग हो गई है, और जिन्होंने भी हमारी बैटिंग कर ली है, जिन्होंने बॉलिंग कर ली है, वो यहाँ पर आ गए लिटिल बिट क्रेजिंग करने के लिए। यहाँ पर आ गए ये, यहाँ पर ये मेरे ख्याल आई थिंक बन कबाब इस तरह का, हाँ यहाँ पर बन कबाब ही है, वो जिन्होंने बॉलिंग कर लिया, जिन्होंने बैटिंग कर ली है, वो बन कबाब खाने आए। तो चलें हम जाके आपको इनका दिखाते हैं, और आगे मैं आपको और भी बताऊँगा, और मज़ीद कुछ का हम इंटरव्यू भी लेंगे जो मैं बताता हूँ आगे उनका आपको।
तो ये आप देख लें, ये हमारे रेडी कर रहे हैं और वहाँ पर अभी भी चल रहे हैं कुछ टीम्स के ट्रायल्स। सर व्यूवर्स, अभी आप लोग देख पा रहे हैं मैंने आपको काफ़ी अच्छी अच्छी बैटिंग शॉट्स दिखाई, काफ़ी अच्छी बॉलिंग क्लिप दिखाई। तो अभी मैं वहाँ नेट से बाहर आ गया हूँ, अभी मैं आपको चलता हूँ इमरान, अभी मैं आपको चल के इमरान भाई से मिलवाता हूँ और उनसे हम पूछते हैं भाई आपका टूर्नामेंट के हवाले से क्या ख्याल है, उनसे आके हम टूर्नामेंट के हवाले से मालूम लेते हैं। तो चलें चलते हैं आगे, मैं आपको चल के बता दूँ। सर व्यूवर्स, अभी आप लोग देख रहे हैं मैं आ गया हूँ इमरान साहब के पास। सर क्या है आपका? अलहमदिल्ला खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो नेट्स में प्रैक्टिस हो रही है और टूर्नामेंट के वाले से आप हमें थोड़ी सी डिटेल दे दें। यार ये हमारी स्टेट प्लाजा और लतीफ प्लाज मार्केट का मैच हो रहा है, ट्रायल हो रहे हैं जी सर। और इसके बाद इंशाल्लाह इसका मैच भी करवाना है। ये सारे जो है वो मार्केट से तल्लक रखते हैं, कपड़ा मार्केट, और ये हमारा यूनिवर्सिटी मेहमान सब कम्बाइंड होकर, तो ये अक्टूबर मेले का मैच है इंशाल्लाह। जी जी सर, थैंक यू सर आपका। व्यूअर्स, अभी हम लोग आए हैं जावेद बुरी साहब के पास। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो नेट्स में ट्रायल चल रहे हैं, इसके हवाले से आप कुछ हमें डिटेल दे रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं कि हम लोग सबका ताल्लुक है यान मार्केट से। जी अच्छा। कपड़ा मार्केट से, तो वहाँ पे YBPA के नाम से हमारी एसोसिएशन है यान की, और वहाँ पे ये टेक्सटाइल प्लाजा है कपड़े वाले, तो ये सब हम लोग साथ ही होते हैं तकरीबन। यूँ समझ लें कि ये मेमन चैलेंजियों का मुरक्कब है, ये भाईचारा है, ये मोहब्बत है। तो हम लोगों ने आज से 10 साल पहले एक इवेंट किया था मोइन खान पे, तो उसके बाद से काफ़ी प्रेशर था, तो अभी हम लोगों ने सोचा कि एक दफ़ा फिर कर ले। तो आज हमारी ये मैच है, इसके बाद ये मंसूर भाई हमारे अनाउंस करेंगे कि कौन सा ग्राउंड है और कौन सी डेट है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा फाइनल प्रोग्राम है। आप लोगों को दावत है, लाजमी कीजिए। और मेरे साथ ये बाबू भाई बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक ज्ञान मार्केट से, मोहम्मद अली भाई बैठे हुए हैं और लुलू भाई बैठे हुए हैं। भाव भाई थोड़ा बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आपने लड़कों को इधर खेलते हुए देखा? अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आगे मैच होंगे उसमें देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है, किस तरह लड़के काम करते हैं, किस तरह खेलते हैं। तो अभी तो सही है ये, माशाल्लाह ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कारोबारी है, ऐसा लग रहा है जैसे एक फैमिली है। यस यस, ये सब बच्चे आए हुए हैं, सब मार्केट सब बच्चे हैं, हमारा सबसे ताल्लुक है। भाई अपना भाई यूनुस भाई है, माशाल्लाह भाई तो पुराने क्रिकेटर भी हैं। अच्छा, और हमारी मार्केट से यान से ताल्लुक है, सब जो है सब मिलकर फैमिली की तरह जमा होते हैं, और ये है कि मिलजुल कर जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, और आगे जो मैचेस हमने करवाने हैं उसमें गाला भी रखना, और फैमिलीज के लिए जो है ना एंटरटेनमेंट भी काफ़ी रखती है। और जावेद भाई और माशाल्लाह इमरान भाई ने बड़ी मेहनत और कोशिश की है इसके लिए, और उनके लिए बड़ी दुआएं हैं हमारी के साथ, और माशाल्लाह आगे भी टूर्नामेंट होना है जी जी, वो तो उसमें भी बड़ा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आज
गए आसिफ भाई, मकबूल भाई और अंजम भाई के पास। तो सर आप बता दें आपका क्या रिस्पॉन्स है इसके हवाले से। देखिए हमारी मार्केट का इवेंट है और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, और इसमें ये है कि देखिए हमारी टेक्सटाइल प्लाजा और लजीब क्लॉथ मार्केट दोनों जो है वो उसके तमाम दुकानदार और बिजनेस ताजिर बिरादरी हमारी शिरकत करेगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये खुशियाँ बांटने का और मोहब्बत बांटने का एक सिलसिला है जो दोनों मार्केटों ने शुरू किया है, और इंशाल्लाह ताला ये हमारा जारी और सारी रहे। जी जी जी। अंजुम भाई से तस्वीरात आज के सर आप कुछ बता दें। ये इवेंट है हमारा दो मार्केटों का है, और दोनों भाईचारे की जो है हमारे उसमें हम लोग के लिए टूर्नामेंट करते हैं ताकि आपस में सब जुड़े रहें, तो इसलिए ये इवेंट आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह टूर्नामेंट होगा तो फिर आगे। नबीर मकबूल भाई ये अपना कोच भी हैं टेक सैलून के, इनका आज कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आप भी बता दें। सर ये जो आज जो ये इवेंट हो रहा है ये बेसिकली फिजिकल फिटनेस है, और जो आपस में जो एक दूसरे के साथ जो है ना लगाव है, और ये बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा काम हुआ है ये, और इसमें बहुत अच्छा मज़ा आया, और हमारी पूरी मार्केट ने भरपूर इसमें जो है ना हिस्सा लिया, और इंशाल्लाह ये बड़ा कामयाब रहे। तो देख रहे हैं अभी आप लोगों ने, मैंने सर से इंटरव्यू ले लिया, आगे की बात चलो चलते हैं इरफान साहब का, जिनसे थोड़ी टूर्नामेंट के बारे से मालूम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या है आपका? सर मैं ठीक। सर ये जो आज यहाँ पर प्रैक्टिस हुई है इसके वाले से थोड़ा आप रोशनी डाल दें, और जो आगे टूर्नामेंट होने वाले उसके वाले से भी थोड़ा बता दें आप। यार ये असल में हमारी टेक्सटाइल प्लाजा और हमारी लतीफ क्लॉथ मार्केट के आपस में टूर्नामेंट रखा है हमने, जो कि जनवरी एंड में इंशाल्लाह ग्राउंड में नाइट टूर्नामेंट है टेबल का, तो वो उसमें तकरीबन 100+ लड़के हैं जिनका हम ट्रायल ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम चार टीम करेंगे और उनके तीन मैचेज होंगे, फिर शुरू में दो दो खेलने के बाद जो उनमें से जो जीतेगा उसका फाइनल होगा। तो ये सब आपस में एक फैमिली गाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब फैमिलीज भी आएंगी और वहाँ पर एक इंटरटेनमेंट होगी, और क्रिकेट ऐसा बहाने के तौर पर लेके चल रहे हैं, स्पेशल नहीं है, खादी तो नहीं है, लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं कि सब मिल बांट के खेलें और एक अच्छा रात अच्छा दिन गुजारें, सिर्फ ये एक कोशिश है। तो थैंक यू सर आपसे हमने सर से पूछा, तो अभी चलते हैं आपको भी मंसूर सर से भी जब पूछते हैं। अभी हमारे बड़े काबिले एहतराम मंसूर साहब के पास अभी हम आए हुए, हमने सबसे थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू लिए, तो हम थोड़ा सर से भी ले लेते हैं। सर तो आप बता दें थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो भाई थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे लिए जी, जी और मैं आपको बहुत नेक तमन्नाएं और आपके लिए रखता हूँ कि आप थैंक यू सर ये ब्लॉगिंग की फील्ड में आगे जा रहे हैं जी जी, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, कि जिस तरह आपका तरीका है बात करने का बहुत बेहतरीन है, तो इंशाल्लाह ये आप इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये भरपूर कामयाब रहा आज, बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था, बहुत लड़कों ने शिरकत की, और हमारे इस तरह लग रहा था जैसे मेला लगा हुआ है। टेक्सटाइल प्लाजा के लड़के थे, हमारी यान मार्केट के थे, सीनियर थे, जूनियर थे, सब इसमें मौजूद थे, और ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत ही खूबसूरत माहौल था। इसमें आज हमने ट्रायल्स किए हैं, इंशाल्लाह ये जो ट्रायल्स हैं इसको अब हम आज ट्रायल्स के बाद हम सिलेक्ट करेंगे टीम, और इंशाल्लाह आपको अपकमिंग मैचेस पे भी दावत देंगे, आपने आना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, दोबारा से थैंक यू बोलते हैं। तो अभी चलते हैं, और जैसा कि अभी आपने देख रहे हैं मैंने सर का इंटरव्यू ले लिया, और आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, और काफ़ी मज़ा आया यार, बहुत मज़े का मैच रहा और बस बड़ा मज़ा आया। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेन बात तो बताना भूल गया, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना ना भूलना, और आई होप गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।